सईद, फिबोनाची एंड वगैरह वगैरह सब चीजें काम सब करती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट कोई चीज कब काम करेगी वो इंपॉर्टेंट है ना। और हम लोग तो बहुत ही अलग है, हम लोग तो इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। कितने लोग ट्रेडिंग रूम में जुड़े हुए हैं, कितने लोग ट्रेडिंग रूम में हमारे साथ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग ट्रेडिंग रूम से, क्या बात है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने शायद पिछले 3 महीने में, या जो लोग यूट्यूब से मेरे पास में आए हैं ट्रेडिंग रूम में, हमने कभी कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, नहीं किया ना हम लोगों ने, थोड़ा शॉकिंग लगता है। बात करेंगे हम लोग यार प्लीज, वरना मैं अकेले बोल बोल के थक जाऊंगा, वहां भी मैं पूरे दिन बोलता हूँ, क्यों सिंह साहब, वहां भी पूरे दिन बोलते रहता हूँ यस और नो, यस और नो, लोग चुपचाप पैसा बनाने में लग रहे थे, यस और नो ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, वी माइट बी क्रॉस चेकिंग योर इंडिकेटर्स ऑल्सो, अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है उसको भी करेंगे, पूरा टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है, ताकि अगर आपके अपने पर्सनल सेटअप के साथ अगर आप काम करते हैं और आपको यहां वो कंफर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगी तो शायद आप अपने सेटअप पे भी अच्छा काम कर लेंगे। करेक्ट हो, सही है ना, क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहेगा ऑप्शन चेन के ऊपर में। ऑप्शन चेन का डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो मेरा और आपका नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली बिल्ट बाय द स्मार्ट मनी। 1% लोग भी नहीं है जो 20,000 से 20 करोड़ या 2 लाख 20 लाख 40 लाख बना सके, नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि इमोशंस हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं व्हेन वी आर ट्रेडिंग ऑप्शंस। करेक्ट ना, हम स्टॉक लेते हैं, स्टॉक 20 रुपए आता है, नीचे आता है, हम लोगों को टेंशन नहीं होती, पर जैसी ऑप्शन ली और ऑप्शन 20 रुपए नीचे आती है, दिल की धड़कन उसी टाइम हार्ट बीट आपको सुनाई देती है, अपनी हार्ट बीट लगता है कि छाती से निकल के कान में घुसी जाएगी, होता है ना धड़ धड़ बीट एकदम से ऊपर ही आती है। करेक्ट, तो हम लोगों को ये देखना है कि अगर ऑप्शन 20 रुपए नीचे आ रही है तो क्या हम उसमें एवरेज कर सकते हैं क्या। तो पहली बात, हमारा पूरा फोकस इस क्लास में ही रहेगा कि अगर हमने कुछ बाय किया है वो नीचे आ सकता है, पहली साइकोलॉजी हमारी ये होगी, हमने लिया तो नीचे आएगा, मान लो आज तक आया है ना नीचे, आज भी आएगा, बट आज हमें उसमें लॉस बुक करना है या उसमें से हमें उसको लेके कैरी करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमें कितना पैसा और डालना है, किस पॉइंट पे एवरेज करनी है, क्यों एवरेज करनी है, एवरेज तो करनी है पर क्यों, अब हम आज तक एवरेज क्यों कैसे करते हैं, हमने कोई चीज 200 रुपए भी खरीदी, 198 आते फिर एवरेज कर लेते हैं, होता ना 196 आते फिर एवरेज कर लेते हैं, 192 तक आते थे और एवरेज कर लेते हैं, पता लगा पूरा कैपिटल ब्लॉक हो गया, अब 180 आ गया, बताओ क्या करोगे। फिर मन ये कहता है भैया लॉस बुक कर ले वरना 160 आ जाएगा ये, और वो 180 से ही घूमता है, वापस घूमता है ना। तो एक्चुअल में हमें ये ढूंढना है कि वो पॉइंट कौन से है जहां से चीजें बाउंस करेंगी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहती है जो चीज ऊपर गई वो नीचे जरूर आएगी। करेक्ट, और लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है, जो नीचे बाउंस, नीचे गिरेगा, गिरने के बाद एक छोटा सा बाउंस तो आएगा ना, वो छोटे से बाउंस को पकड़ना है। आपने देखा होगा ऑप्शन चेन, हम क्या करते हैं क्लास के अंदर में, जो ट्रेडिंग रूम क्लास हमारी मॉर्निंग में रहती है उसमें क्या करता हूं मैं, कि यहां से 25 पॉइंट कंफर्म मिलेंगे, होता है ना, और वहां से वो 25 मिलते हैं, अगर दिन में वो 25 पॉइंट 4 बार ले लें 100 पॉइंट हो गए ना निफ्टी के, ज्यादा चाहिए भाई, मुझे तो इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं इससे ज्यादा लेता भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचता कि निफ्टी के 150 पॉइंट इकट्ठे मिले, क्यों मिले, मैं निफ्टी के 30 पॉइंट 6 बार लूंगा मेरे को 180 पॉइंट मिल जाएंगे। हाँ देखो सर, नाम नेहा फोगाट, और मतलब मैं पिछले 6 महीने से ट्रेडिंग कर रही हूँ, एक दो पहले दिन तो ऐसा हुआ था कि मेरा बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो गया, बोला ना वो लीगल नहीं था, वो गलत तरीके से चला भी गया, 10 गुना उसने लिया भी, और पिछले 6 महीने से मेरा नुकसान ही हो रहा है, बट हिम्मत नहीं आता ना, वही बात है, थोड़ा है थोड़ी ठंड की हुई खोपड़ी। तो उसके बाद मैंने आपका देखा यूट्यूब पे, मतलब पॉप आउट हुआ कि ठीक है आपका लाइव ट्रेडिंग सेशन आ रहा है, मैंने देखा, मेरे को समझ आया, और मेरा ये है फर्स्ट टाइम में ना मेरे को पता चल जाता है हाँ ये चीज़ मेरे को सूट करेगी, तो मैं आई, मैंने ट्रेडिंग रूम भी ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मतलब वो दिन है आज का दिन, मेरे को महीना भी नहीं हुआ आपकी क्लास आ रही थी, चलिए ये लेते, मेरा वो था मैं लेने आई, मतलब मैंने CA की क्लासेस भी ली हैं, 25,000 की भी क्लासेस ली हैं मैंने, कि हाँ ठीक है CA के एक एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, 6-6 महीने के लिए पढ़ रही हूँ, मेरे को इतना इंटरेस्ट, इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट अब से पहले किसी क्लास में नहीं हुई, और जो होता है ना कि आप पैसा वसूल जिस चीज़ को बोलते हैं, मेरे को वो वैसा लगा, हाँ कि चल ठीक है आज हो गया, कि जिस चीज़ के लिए आई थी 6 महीने खराब के स्टॉक मार्केट में घुसी, कुछ तो था जिसके लिए आई थी, मेरे लिए वसूल हो गया आज के बाद, सबसे बेस्ट मैं बता रही हूँ ना, मैं 6 घंटे लीड लगा के रखने का और देखते रहने का, अभी जैसे ऑप्शन चेन का आइडिया लगाना तो खुद भी देख सकते हैं सेटअप, अदरवाइज आप बता रहे हो कई बार गलत ट्रेड में वहीं पर घुस जाते हैं जहाँ पे आप बोल रहे हो ना रेजिस्टेंस, नहीं आइडिया लगता कि हाँ चल दिख रहा है कि चल देख ही लेते हैं, नहीं हो पाता, अभी और पंगे नहीं लेती मैं, और ठीक है एक मिलेगी नीचे से मिलेगी ले लेना, क्या दिक्कत है, हाँ रुक के, ये नहीं कि पागलों के लगे हो पूरे दिन, ना अभी रुक के अच्छे से अपने तरीके से, चल ठीक है सर बता रहे हैं देख ले वो वाला, और भरोसा होना चाहिए सर, गुरु जिसको बोलते हैं ना
ट्रस्ट मांगता है कि चल ठीक है सर बोल रहे हैं, एक बार करके देख, उतना हो रहा है मेरा। दो सवाल मेरे आपसे। ओके सर, आपकी एज क्या है? 22 इयर्स। 20 साल के बच्चे ये सुन ले कि स्टॉक मार्केट में आने की नहीं आ रहा, क्या कहना चाहोगे? तो वो आने की दिक्कत नहीं है, पर ये नहीं कि शुरू में भाई मैं अकेले चलने आ रहा हूँ या कुछ है, पहले सीख लो। ऐसा तो है नहीं कि आते तुमने ही गुरु बनना है, पहले और भी बंदे बैठे हो जो 15-20 साल से सिखा रहे हैं, एक मौका देखे देखो। और मेरी मानोगे तो सर से सीख लो भाई, बाकी अपनी मर्जी है, बाकी आना चाहिए एक बार देख लो। इतने यंग जनरेशन को स्टॉक मार्केट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कभी लोग तो जॉब के लिए जाते हैं, जॉब करनी है, ड्रीम जॉब करनी है ना, ये क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन। तो आपने स्टॉक मार्केट क्यों सोची? पैसा। पैसा मेरा मोटिवेशन ही पैसा है सर, और ऊपर से मोटिवेशन पैसा ही है। ऊपर से सीए में भी आप 4-5 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, और 2.5 साल की मेरी आर्टिकलशिप होने वाली है जिसमें 5,000 रुपए महीना नहीं मिलता, और मैं दिन के 5 यहाँ निकाल रही हूँ बिकॉज स्टडी करके। तो वही होता है, ध्यान से सुन लो, 4 साल की इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप 5 साल की, 2.5 साल की, 2.5 साल की आर्टिकलशिप में 5,000 रुपए महीना मिलेगा? मिलेगा भी नहीं, मैं बता रही हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मिल ही जाएगा। और यहाँ पे रोज के 5,000 रुपए रोज के मिल जाते हैं, ट्रेडिंग रूम में बैठ के मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे वाला, तो मिल जाते हैं वो। उसके देखो ना, 2.5 साल, 9 घंटे 10 घंटे, आप सुबह 9 बजे जा रहे हो, रात के 10 बजे आ रहे हो, कितनी मेहनत लगती है। सीए में भी लगती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। सीखो, करो, इधर तेलो मेहनत, क्या दिक्कत? और इंटरेस्ट आ रहा है और पैसे दिख रहे हैं कि हाँ चल आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है महीने भर वेट कर रहे हो, मेहनत का एकदम इंस्टेंट दिखता है इसमें। बी योर ओन बॉस, या आज करो आज निकालो, आज ही का है जो है, इसलिए मेरे को तो मजा आता है। थैंक यू सर। सर मेरा नाम संगीता है और मैं रोहतक हरियाणा से आई हूँ। थोड़ा जोर से, हरियाणा से है तो बहुत तेज आवाज आनी चाहिए। हमारे पास हरियाणा के बहुत लोग आए हैं ना इस बार, वेरी गुड। मुझे मतलब इस लाइन में 10 साल हो चुके हैं, और पीछे जैसे पहले जॉब में थी, कभी टेक्निकल सीखा ही नहीं, और उस जॉब के बाद है ना 2017 में मुझे हुआ कि मुझे अपने ब्रोकिंग हाउस खोलना चाहिए, तो पार्टनरशिप में मैंने खोला भी, बट वहाँ पे मेरे एक टेक्निकल एनालिस्ट था मेरे साथ, तो उनसे कुछ बनी नहीं, तो फिर मुझे स्विच करना पड़ा वो, और वो जो ब्रोकिंग हाउस था मुझे खुद इंडिविजुअल चला रही हूँ मैं इस वक्त। सब ब्रोकरशिप आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई नहीं, अब क्लाइंट को गाइड कैसे करें, तो मैंने बहुत टेक्निकल सीखने का वहाँ पर प्लान किया, और मैंने खूब सीखा, एक एक दो दो दिन की 50,000 पे मतलब वो भी दी। बट जब मैं विपुल सर के पास आई, आई थिंक 2018 में, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने सीखा वहाँ पे, और मैंने खूब उस पर काम भी करा 2 से 3 महीने, खूब एक्सपीरियंस हुआ मुझे अच्छा। तो इन बिटवीन क्योंकि मुझे अकेले संभालना था, तो क्लाइंट्स के फोन वगैरह मैं उस वजह से नहीं, आसान काम नहीं। हाँ बिल्कुल, तो फिर मुझे वो स्विच करना पड़ा, बट मुझे पता था कि कोई क्लाइंट मुझसे पूछता था मैं देख के बता देती थी, बट वो मतलब उस पर हमको स्टॉप लॉस बता रहे हैं तो उसको मतलब उस पर नहीं दिखते थे कि भी हाँ हम स्टॉप लॉस बता दिया तो चलो अपनी मर्जी से करते थे। अभी रिसेंट में फिर जैसे आपका आया कि भी ऐसे भाई नए चेंजेस हैं, तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मैंने कोविड में भी अटेंड किया था आपका ऑनलाइन, मतलब बीच में, तो अभी मैं पिछले हफ्ते आपने ना शायद 8,090 पे सेल का दिया होगा यूट्यूब पे, मैं नहीं देखती क्योंकि टाइम नहीं लगता। ठीक है सर, तो यूट्यूब पे मेरे साथ एक क्लाइंट है, वो अच्छी ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, यूट्यूब पे ना वो देख रहे थे उनका, मैंने कहा इनको क्यों देख रहे हो, आपने देखना है तो विपुल कौशिक को देखो, मैंने ऐसे बोला उनको, तो बोले हाँ दिखा था तेरा विपुल कौशिक 2 दिन से माइनस माइनस बोल रहे हैं। तो मैंने जब डाटा एनालाइज नहीं किया उसमें ऑप्शन चेन में, मैंने कहा अगर वो बोल रहे ना तो जाएगी नीचे, मैंने उनको ये बोला। फ्राइडे को नीचे गई, मतलब वहाँ पे सब मेरा देखो ये होती है कहानी असली। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब बेस्ट है, और आपको आना चाहिए। देखो हमें ना अपनी स्टडी करते हैं, हम ग्रेजुएशन तक कितने साल पढ़ते हैं, 25,000-50,000 लाख रुपए की नौकरी के लिए। आई थिंक अगर हम 2 से 3 साल सिर्फ अपने एनालिसिस पे कर दे तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं इस मार्केट में। थैंक यू सर, बहुत बहुत ही जबरदस्त मैसेज है कि हम सारी उम्र कुछ ना कुछ पढ़ने में लगा देते हैं, है ना, सिर्फ नौकरी करने के लिए। एक नौकरी हमारी एम होती है ना, हमारे घर वाले भी कहते हैं हमारा बच्चा नौकरी करेगा जाके, पर अगर हम अपनी जनरेशन को, हम अपने बच्चों को ये मोटिवेट कर पाए जाके कि थोड़े दिन स्टॉक मार्केट करके देख ले, अगर समझ में आया ठीक है तो नौकरी तो कर लेगा जिंदगी भर, है ना, तो अगर वो टाइम पे अगर आप क्लिक हो गए तो शायद नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वेरी गुड मैसेज, वेरी नाइस, सुपर। मैं इस ट्रेडिंग को, मैं स्टॉक मार्केट में सर मैं पिछले 2 साल तक मैं था, तो उससे पहले मैं हमेशा लॉस 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 ही हो रहा था,
आता था प्रॉफिट भी होता था, लेकिन जितना प्रॉफिट करता था वो पूरा का पूरा पैसा चला जाता था, तो फिर लॉस होता रहता। मेरा पूरा जितना था मैं समझ लो मेरा फंड था सारा का सारा पूरा वॉश आउट हो गया। बहुत ही मतलब सोचना चाहिए कि मतलब इतना वॉश आउट हो गया कि अब मैंने मतलब उठने का मन भी नहीं किया था अब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आऊँ, क्योंकि उस टाइम मैंने बिना पढ़े मतलब स्टॉक मार्केट घुस गया था। और मुझे किसी ने बोला कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है सभी ने बोला, लेकिन किसी ने मेरा अकाउंट खुलवाया उसमें मैंने ट्रेड किया तो उसमें लेकिन मेरा लॉस ही हो रहा था, लेकिन ये किसी ने बताया नहीं कैसे ट्रेड लेना है क्या लेना है, नहीं मुझे मालूम था। उसके बाद जब मैं लॉस होने लगा तो फिर मैंने यूट्यूब में ही मतलब सर्च करने लगा, दिन भर रात हो गई हमेशा सुनता रहता था कब लेना है कौन से स्टॉक लेना है। ऐसे करते करते फिर विपुल सर के में कुछ थोड़ा बातों में जान लगी मेरे को कि नहीं कुछ है तो विपुल सर में ही, बाकी सब तो ऐसे बता रहे हैं झोला छाप का टाइप लग रहे थे मेरे को। बट लेकिन जब मैं विपुल सर के जो चीज़ें पढ़ा जो एक्सपीरियंस जो मैंने देखा लगता है कि हाँ विपुल सर में है कि अगर विपुल सर के अगर उनकी नॉलेज अगर मैं लेता हूँ तो पक्का ही मतलब मैं अच्छा मतलब मुकाम पर मैं पहुँच सकता हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब में देखा तो मैंने क्लास किया था, मैं पहले पुणे में किया था मैंने सर के साथ, तो वहाँ पे मैंने क्लास लिया और क्लास लेने के बाद मैंने वहाँ भी सीखा, वहाँ से मेरे लॉसेस कम होना स्टार्ट हो गए। लेकिन मैं दिल्ली में आया तो मैंने सोचा दिल्ली में अगर सर है कि क्लास है तो क्यों ना ज्वाइन दोबारा किया जाए। जब मैं दिल्ली में दोबारा ज्वाइन किया तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ पहले से मुकाबले मतलब और बिल्डअप मेरा, क्योंकि मैं पहले लेता था ट्रेड लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं ट्रेड लूंगा बिल्कुल एकदम कि हाँ अब ले सकता हूँ, तो अभी मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं अब मैं ट्रेड ले लूंगा और अच्छे से मैं ट्रेड करूंगा। तो और मतलब और ये और कहने की बात ये है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में अगर आता है तो बिना सीखे ना आए, मतलब किसी से भी सीखे, चाहे विपुल से सीखे चाहे किसी और से सीखे, लेकिन सीखे तो जरूर सीखे, ऐसे ट्रेड बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपना पूरा फंड मतलब मैंने अपने लाइफ में बहुत लॉसेस किया हूँ, लेकिन तो विपुल सर के पास मैं आया तो मेरे को कुछ उम्मीद लग रही है कि नहीं धीरे धीरे मेरे लॉस हैं वो कवर होंगे। आज मैं धीरे धीरे आज मेरे लॉसेस काफ़ी हुए हैं, अभी मैं लॉसेस सर ने कहा कि जो पिछला लॉस हुआ उसको मतलब नेगलेक्ट कर दो बिल्कुल, अभी ये है कि अपना प्रॉफिट में आना सीखो धीरे धीरे धीरे, तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैं उस प्रॉफिट में धीरे धीरे आ रहा हूँ। लॉसेस तो हुए लेकिन उसको मैं भूल गया हूँ, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि मैं अपने सारे लॉसेस को कवर करके और अपना विपुल सर के साथ में चलता रहूंगा, और ये हमारे विपुल सर को मैं अपना गुरु माना हूँ और ये हमेशा इनके साथ में रहूंगा, हमेशा चलता रहूंगा और इनके हमेशा राय लेता रहूंगा। और दूसरी बात विपुल सर एक ऐसे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किसी विपुल सर को मैंने कॉल किया, एक दिन मेरा फर्स्ट मैंने कॉल किया था सवेरे 5:30 बजे मैंने कॉल, क्योंकि मैं लॉस होकर एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लॉस में फ्रस्ट्रेट होने के बाद मैंने 5:30 बजे विपुल सर को मैंने कॉल किया था, मैंने बोला विपुल सर आप विपुल सर बोल रहे हो, बोले यस आई एम विपुल सर, तो बोला विपुल सर ने बोला ये कोई टाइम यार टाइम कोई टाइम है यार कॉल करने का, ऐसा कहा सर ने। मैंने बोला मेरा सर मैं बहुत ही इतना मैं डिप्रेशन में था उस टाइम, मैंने बोला दिन भर सुबह भी समझ लो 4 बजे भी मतलब मैं बस हमेशा यूट्यूब देखता रहता था स्टॉक मार्केट यही, तो बस उस टाइम मैंने सर को मैंने कॉल किया 5:30 बजे कॉल किया था, सर ने बोला यार कोई टाइम है यार ये कॉल करने का। मैंने तो सर को बोला सॉरी सर अब लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि मुझे कॉल करना पड़ा, तो बोले ठीक है। फिर सर का कॉल भी आया था और उसके बाद फिर बातचीत हुई तब मैंने क्लास लिया, तो मुझे अभी बहुत ही जो टेंशन तो फ्री हुआ है, लॉसेस हुआ है लेकिन जो मैं टेंशन जो फ्री हुआ है ना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं टेंशन से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ ना कुछ खा पाता था, क्योंकि दिन भर में से माइंड वहाँ रहता था, आज धीरे धीरे कवर हो रहा है तो जरूर दिन पूरा कवर हो जाए। इसलिए थैंक यू सर, ओके सर, बहुत मजा हमको लगता है हमारी जिंदगी खत्म हो गई और लोग एक्सट्रीम स्टेप तक उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट मैंने इस मार्केट में ये टेंशन झेली हैं, इसलिए मेरा पर्सनल नंबर यूट्यूब पे है, मेरा पर्सनल शायद मेरा ही नंबर पर्सनल यूट्यूब पे है, करेक्ट? क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मेरे पास कोई क्लास लेने आए नहीं आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर किसी की मुझसे बात करके मेरा सोल्यूशन पूरा हो सकता है ना, तो शायद मेरा इस धरती पे आने का जो पर्पस शायद ऊपर वाले ने बनाया होगा ना वो पूरा हो जाएगा, मैं भगवान को मानता हूँ। ठीक है, तो शायद मेरे आने का पर्पस कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा, तो इसलिए जो है अपने पास लोगों को देते चलो यार बढ़ेगा, है ना, विद्या ददाति विनयम, है ना, विद्या बांटने से बढ़ती है।
बांटते चलो। यस प्लीज, थैंक यू। और हाँ, मैं एक और बात बता सकती हूँ, मैंने ट्रेडिंग रूम की फीस दी थी और उसके बाद मैंने उसी ट्रेडिंग रूम से यहाँ की फीस निकाली है, तो मैं महंगी लग रही होगी अभी क्योंकि तुमने पहली बार सुनी है, बट एक बार जाके देखो तो तुम जाके पहले देखो, ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करोगे ना तुम लोगों का आइडिया लग जाएगा, तुम्हारी ये फीस भी निकल जाएगी, मैं बता रही हूँ, गारंटी। अभी ट्रेडिंग रूम में बैठे बहुत दिन से, कैसा एक्सपीरियंस आपका ट्रेडिंग रूम का, फरंगी से स्टार्ट करो। मेरा नाम प्रमोद कांबोज है, मैं हरियाणा से हूँ और मैं नवंबर 2021 में मैंने शेयर मार्केट में दोबारा रिजॉइनिंग की थी, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से कोई भी शेयर कहीं भी उठा लिया और फिर उसमें लॉस होता चला गया। फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल जितने भी थे वो ज्वाइन करे, 3 से 4, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, लेकिन मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे एक लाइव प्रोग्राम चाहिए था जो बता सके कि भाई यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है, यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कैसे ट्रेड लेनी है। तो एक दिन मैंने यूट्यूब पे विपुल सर का प्रोग्राम देखा और शायद वो आपका फ्राइडे को एक उसमें था, लाइव चल रहा था, तो मैंने जैसे 10 मिनट देखा तो मैंने तुरंत आपको कॉल किया और उसी दिन ही मैंने मतलब वो आपका अकाउंट खुलवा के ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करा। ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करने के बाद मेरी जितनी भी ट्रेडिंग की बुरी आदतें थी, ओवर ट्रेडिंग, ट्रेड के पीछे भागना, कहीं भी लेना, कुछ भी करना, तो वो मेरी सारी की सारी आदतें छूटी और मेरा लॉस वहीं रुक गया। हालांकि मैंने उसके बाद भी कुछ घर की दिक्कतों की वजह से कई हफ्ते हफ्ते तक मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाता, तो लेकिन ये है कि मैंने एक बार ये सोचा था कि जब तक मैं क्लास नहीं करूँगा तब तक ट्रेड नहीं लूँगा। कई बार फिर भी मन में होता ट्रेड ले लेता हूँ, बड़ी ट्रेड भी लेता हूँ, लेकिन उसको लॉस को रिकवर कर लेता हूँ। बाकी मैं जरूर कहना चाहूँगा शेयर मार्केट में मैंने पहले भी काम किया था 2009-10 में भी, बिना नॉलेज के वहाँ भी मेरा बहुत लॉस हुआ था। ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले तो सीखना चाहिए, सीखने पे पैसे लगाने चाहिए, मैंने सोच को जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तब तक हम एक जैकपॉट, एक जुआ जी। वो शेयर मार्केट में वही होएगा जी। और अगर हमने सीखा, सीखने के बाद किया, चाहे प्रॉफिट कम हो लेकिन प्रॉफिट जरूर होगा, लॉस नहीं होगा। मैं मिलके कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर, इस दिन के मुझे मतलब इतना बड़ा अफसोस हुआ अपने ऊपर, वो आया कि मुझे 13 तारीख को जब मैंने प्रोग्राम बढ़ाया था पुणे वाला, मुझे वहां जाना चाहिए था। मतलब आज मैंने बड़ा महसूस किया उस चीज को कि मुझे पुणे जरूर जाना चाहिए था। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि यार 15,000 रुपए मेरे टिकट के लगेंगे, लेकिन वो टिकट के पैसे मेरे इस एक महीने में रिकवर हो जाते, मतलब मैं कॉन्फिडेंट था। टिकट के पैसे से ज्यादा आपका बड़ा एंटून लॉस होता है वो। हाँ, जो मेरा एक महीने में जो मेरा लॉस हुआ ना, मतलब मेरे को खुद महसूस हो रही है चीजें कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी शेयर मार्केट में, के जो एक लाइव ट्रेडिंग चाहिए थी। और जो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो नॉलेज आप दे रहे हो और मतलब आप ना अपना पूरी नॉलेज दे रहे हो सबको, एक चीज़ भी नहीं रख रहे, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने जितने यूट्यूब चैनल ज्वाइन करे ना, वो आपको 50% से ऊपर नॉलेज नहीं देते कुछ। उनसे अगर पूछो, पहली बात तो वो लाइव चैट ही होती है उनके साथ, लाइव नहीं होता, वो मतलब पूरी नॉलेज नहीं देंगे आपको कोई। हाँ, कोई तो देंगे, अब पता नहीं है या नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको वो आंसर नहीं देते, वो मतलब एक नेकलाइन के ब्रेक पे ये यहाँ पे ट्रेड लेनी है, यहाँ पे वो करना, मतलब पूरी नॉलेज नहीं देते वो लोग। अब है या नहीं है तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका मैंने देखा, आपको अगर जितना पता है 100% की बजाय आप 101% बताते हो हर एक चीज को, मतलब पूरा डिटेल्स में, ऐसे शायद ही मुझे नहीं लगता कोई अपनी पूरी नॉलेज दूसरों को शेयर करता हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तो उसी दिन आपको कहा था कि मुझे तो आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ना है, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मेरा बेटा भी 12th में है, अगर बेटा नेक्स्ट ईयर उसका, मैं सोच रहा हूँ कनाडा का प्रोग्राम बन रहा है, तो वहाँ से भी अगर उसको टाइम मिला, वैसे तो कितना टाइम मिल पाएगा, तो मैं उसको भी ही मतलब ट्रेडिंग शास्त्र में डालूंगा उसका भी। मैं 12th मार्च में हो जाएगी, मार्च के बाद आपकी जो भी क्लास होगी तो मैं अपने बेटे को भी साथ लेके आऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ कई बार बैठ के देखता है कि पापा क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटा ऐसे थोड़ा क्लास ज्वाइन करके कर रहा हूँ, तो फिर वो कई बार कहता कि चलो मैं भी देखता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है अगर मैं पुत्र के सामने पिता कह रहे कि मैं सीख रहा हूँ ना, 12 साल के बच्चे के सामने पिता कह रहा है कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेटे का तो मोरल वैसे ही हाई हो जाएगा, है कि नहीं है? हमें करना चाहिए। हाँ, बेटा हमेशा कहता, बेटे की मम्मी कहती है क्या अभी 6 महीने से लगे पड़े, कुछ होता तो है नहीं इसमें,
तो मैंने कहा दो महीने तो सारे हुए हैं, अभी टाइम भी नहीं लग पाता, अभी कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ दो इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं, 70 इतने काम पेंडिंग है कि मुझे बहुत भागना पड़ता है, टेंशन भी बहुत रहती है। पीछे जो मेरे साथ हुआ उसमें भी एक बहुत बड़ी टेंशन होगी। तो बेटा हमेशा कहता है, बेटर बेटे, अरे दो महीने में कैसे सीख लेंगे हम, एक साल में तो हम एबीसी नहीं सीख पाए थे शुरू में जब हम स्कूल गए थे, ये तो 10-10 साल में, हमें 12 साल लगे 12th करने में, तो अभी दो महीने में क्या सीखेंगे। तो बच्चे मतलब बड़ी वो करते हैं कि नहीं अभी इसमें टाइम लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज क्लास ली है ना, हाँ, कल से ट्रेड पढ़ना चाहिए। अगर आरएसआई सीखी तो कल ही आरएसआई पैसे बना के दे। नहीं नहीं ऐसा, आरएसआई भी पैसे बना के देगी, कोई मूवी है जिसमें पैसे बना के देगी, पर उसके ऊपर कितना बैक टेस्टिंग, कितना टेस्टिंग, कितना पेशेंस, कितनी स्टडी कर रहे हो आप, वो डिपेंड करता है ना। 12वीं करने में तो 12 साल लगे, 12 साल लगे, एक पीजी करने में और 3 साल, मास्टर डिग्री करने में और 2 साल, बेटी को मेडिकल के लिए भेजा उसको 7 साल लगे, 7 साल लगे, और उसके बाद भी यहाँ के टेस्ट होगा। उसके बाद अगर सीए कर ली तो 2.5 साल देने पड़ेंगे, वो पता नहीं 5 साल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे वहां पे इतनी मेहनत कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अल्लाह दिन का चिराग घिसो पैसा ना, स्टॉक मार्केट को लोग ना सिर्फ एक जुआ समझते हैं, पैसा लगाया मिल गया तो ठीक है, लेकिन स्टडी करने के बाद भी हमें कम से कम 6-6 महीने मतलब पूरा टाइम देना पड़ेगा। मतलब मेरे बच्चों का भी यही कहना है कि जब तक हम 3-4-5-6 महीने इसमें वो नहीं करेंगे तो हम कैसे सीख पाएंगे। मैं 20 साल बाजार को दे चुका हूँ, अब 20 महीने तो देखेंगे तो 20 दिन नहीं देते हैं, 20 महीने बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया लगा सर, थैंक यू। मैं विपुल जी से मिला था, किसी ब्रोकर ने मेरा लॉस करवा दिया था, उसके बाद इनसे मेरी यूट्यूब पे बात हुई थी, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दी, और फिर मैं इनसे जब ये ट्रेडिंग रूम शुरू करने वाले थे तो मैंने इनका ट्रेडिंग रूम ज्वाइन किया। तो लाइक 2 महीने तक मैंने ट्रेडिंग रूम ज्वाइन किया, उसमें मेरे को इन्होंने ह्यूज प्रॉफिट करवाया, ह्यूज प्रॉफिट। उसके बाद फिर मैंने 1 महीने के लिए बाहर चला गया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसको सीखना चाहिए और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हालांकि 50% ट्रेनिंग तो ट्रेडिंग रूम से ही मुझको आ गई थी, इसका बेसिक नॉलेज ये दे देते हैं, तो वो मेरे को सीखने को मिल गया था। उसके बाद फिर आज ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग में आई ओपनर हो गया है कि ऐसा लगा है कि अब ट्रेनिंग ले ली, अब इसको जाके प्रैक्टिस करेंगे 2-3 मंथ्स, और ये एक बहुत अच्छा मौका है यंग जनरेशन के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। इस चीज़ को हमें सीखना चाहिए, ऑप्शन चेन को भी सीखना चाहिए, और साथ साथ में जो स्टॉक सिखाते हैं इसकी बारीकी से बारीक जो डीप नॉलेज हमें बताते हैं, तो इस ट्रेनिंग को सुन ट्रेनिंग को देखकर हमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हम आगे इसमें प्रैक्टिस के साथ अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें पैसा कमाएंगे। और ये जो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमसे मिलते हैं, कभी भी इनको फ़ोन करो, ट्रेनिंग इनसे लो, ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करो ना करो, एज ए ह्यूमन बींग ये कभी भी इनको फ़ोन करो, रात को करो, मॉर्निंग में करो, कैसी भी मदद ये हमारी करते हैं, मजा आ गया। मैं विपुल जी से लगभग लगभग यूट्यूब से जो 4-5 साल से देख रहा हूँ, लेकिन आज से 2-3 साल पहले मैंने विपुल सर को बोला था कि भाई मेरे को आपका ज्वाइन करना है, लेकिन उसके बाद शायद कोविड के कारण हो गया था। खैर नए लोगों के लिए तो बहुत बात होगी, लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि जो पुराने जिनको 2 से 3 साल हो गए हैं, मैं भी 2005 में इस मार्केट में आया था और मुझे भी 17-18 साल हो गए, ऑलमोस्ट मेरी और सर की एज 1980 का मेरा बर्थ है और शायद इनकी भी इतनी होगी। तो जब आप यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद सबसे आपका बेसिक सवाल होता है कि आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे। अब आपको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक ठहराव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो ठहराव आपको बहुत टाइम बाद पता लग गया तो वो एक्सपीरियंस से आएगा या पैसे दे के आएगा, पैसे दो सर को, ठीक है ना। वो ठहराव ऑटोमेटिकली किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ, किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ वो मिल जाता है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक जगह इन्होंने बताई है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटेजीज बहुत हैं, यूट्यूब में 1000 स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे जिसमें आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये अगर आपको ऑटोमेटिक आ जाए तो उसका सीधा सीधा वर्णन सर कर सकते हैं ऑप्शंस चेन के थ्रू। तो अगर आपने स्ट्रेटेजी सीख भी रखी है, 2-3 साल हो भी गए हैं, तो मेरे हिसाब से सर ऑप्शन वहां पर आपको ऑप्शन चेन जो सर सिखाते हैं उसमें आपको मतलब बिल्कुल बेस में ही आप उसको बाइंग कर सकोगे। अगर आपने शॉर्ट करना है तो आप उसे एट हायर लेवल आप उसे शॉर्ट कर सकोगे, और वो आपको मजबूरी बन जाएगी कि वहां आपको शॉर्ट करना ही है। तो सिस्टम ही ऐसा है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ा बहुत सीख के
आप उसे ऑटोमेटिकली जो हमने इसे 15-16-17 साल में सीखा वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो ठहराव आ जाएगा, तो उसमें आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। जब ओवर ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे तो लॉस। एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है, मैं बता दूं, एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है, लोग सोचते हैं कि पैसा लेके और आप मार्केट में 1 करोड़ लेके जाओ, 50 करोड़ लेके जाओ, वो पैसा चले जाना मार्केट में लेके चले जाना। एक स्ट्रेटेजी, कैश आपके पास होना भी चाहिए, ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि एक कैश आपके पास होना भी चाहिए। अगर वो कैश है आपके पास, सही स्ट्रेटेजी है, सही आपके पास बंदे जो आपको सिखा रहे हैं विपुल सर जैसे, और उसमें उन्होंने ऑप्शन चेंज सिखा दिए जहां आपको आपको ठहराव आपको पता लग जाएगा कि यही हमने इसको सेल करना है, यही हमने इसे बाय करना है, यहां ही हमें एवरेज करना है, सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। तो दुनिया की कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं बनी जो बिना रिस्क मैनेजमेंट के या वेल्थ मैनेजमेंट के आपको प्रॉफिट देते हैं, लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली है कि वो आपको ऐसे सिस्टम में डालेंगे ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें निकल के पा रहेंगे और इनिशियली प्रॉफिट होना लाजमी है उसमें, उसमें कोई बात ही नहीं सर। माय नेम इज विकास शर्मा एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत जो है वो आपके साथ ही करी है, आपको पता ही है। वैसे भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2 महीने से हुए हैं ऑलमोस्ट, तो इसमें जो कुछ भी सीखा है मैंने आपसे ही सीखा है। और स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, बहुत से लोगों को मैंने लॉस भी करते हुए देखा था। लेकिन जब से मैंने ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करा मैंने देखा कि भले मेरे को तो कुछ नहीं आता लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट कमा रहे मेरे को छोड़ के, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो होगा जो मेरे में कमी है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैंने थोड़ी कुछ विपुल सर को फॉलो किया ट्रेडिंग रूम में और कुछ मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखी, समझने की कोशिश करी। और उसके बाद मैंने आज मैं सर की दिल्ली क्लास का वेट कर रहा था बहुत टाइम से कि मेरे को अटेंड करनी है, और जैसे सर ने अरेंज करा मैंने इमीडिएटली अटेंड करी। और आज क्लास अटेंड करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ कुछ होप है, हो सकता है, सर ने आज बहुत सी नई नई चीज़ें बताई। तो बस मेरे को इमीडिएटली उन चीज़ों को लाइव मार्केट में अप्लाई करना है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। बस सर के ऊपर ट्रस्ट है और सर सबकी हेल्प करते हैं, ट्रेडिंग रूम में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत नई नई चीज़ें बताते हैं। तो अगर किसी को ट्रेडिंग रूम भी ज्वाइन करना है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत हेल्प करते हैं बिल्कुल सर। मतलब कि सर को इतना मार्केट के बारे में पता है कि वो मार्केट का चेंज होने से पहले ही बता देते थे कि क्या मार्केट के सेंटिमेंट है, क्या होने वाला है, मतलब इनकी इतनी एक्यूरेसी है डेटा के ऊपर। तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, बस मुझे उसमें परफेक्शन चाहिए। और आज की क्लास अटेंड करने के बाद लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है ट्रेडिंग में। प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। यस सर, बिल्कुल। मैं विपुल सर का बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ और काफी टाइम से सर के साथ में हूँ। अगर स्टॉक मार्केट को एकदम सिंपल और इजी वे से अगर कोई सिखा सकता है तो सिर्फ विपुल साहब ही सिखा सकते हैं। और अगर किसी को इजीली सीखना है विदाउट अपने कोई लॉस किए हुए तो विपुल सर को सिर्फ अपने 6 मंथ्स दे दो, जिसने अपने अपने हार्डवर्क डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस से सर को अपने 6 मंथ दे दिए, सर उसको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। कहने का मतलब मेरे भी बहुत लॉसेस हुए पर सर ने, सर का हाथ मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। Yes. और काफी टाइम तक मैंने सर को मतलब हमेशा इनके टच में रहा। और इनका सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि एनी टाइम ये हमको मोबाइल पे सपोर्ट करते हैं सर, ये अपने हैंड होल्डिंग इनकी बहुत अच्छी है। और जो इनका ट्रेडिंग रूम है इसके अंदर सर का बहुत ही अच्छा वर्क है, मतलब सभी स्टूडेंट्स को ये साथ लेके चलते हैं। और इनके लिए मैं अपनी तरफ से हार्टेस्ट थैंक्स कहना चाहूँगा। और सभी न्यू स्टूडेंट्स को अगर कोई शेयर मार्केट में सीखना चाहता है तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इनको अपने 3 से लेकर 6 मंथ दे दीजिए एटलीस्ट, इसके बाद में कुछ भी नहीं बचेगा आपका, कुछ भी नहीं बचेगा मतलब ऊपर जाने के लिए ये गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर जाने के लिए, ऊपर सर, ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया ये एपिक था, बहुत जबरदस्त लग रहा सर। सर मैं वैसे तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में आया कि अपनी सेविंग को और इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज किया जा सके। पहले ऐसा भी करते थे पर पता नहीं था क्या करना है, तो मार्केट जो गिरा वो खरीद लिया और कभी कभार वो गिरता चला गया तो फिर आपसे सितंबर मंथ से ही आपसे जुड़े ट्रेडिंग रूम में और चीजें समझ में आई, फिर सोचा कि बेहतर सीख लेते हैं। सर आज यहाँ है आपके साथ और सर आपकी एनर्जी अनमैचेबल है, थैंक यू। और सर का ट्रेडिंग रूम एंड पूरा पैकेज है, सीख लो और हैंड ओनली है ही क्लास में और डिसिप्लिन सिखाई देते हैं डांट के नहीं आने खरीदना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि कहाँ नहीं खरीदना, कहाँ नहीं खरीदना, बस ये सबसे बड़ी बात है। मजा आया, यस बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मैं विपुल सर के साथ जुड़ा ट्रेडिंग रूम से 1 महीना पहले, और उसके पहले एक था मतलब फियर होता था कि ट्रेड मिस हो रहा है या फिर बेच दूं क्या, मतलब छोटे प्रॉफिट में निकल जाऊं तो लॉसेस होते थे।
ज्वाइन करने के बाद ट्रेडिंग रूम ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ये समझ में आया कि मतलब कहाँ पे खरीदना है और कौन सा ट्रेड नहीं लेना है ज्यादातर। तो ये अब मुझे मतलब डर कम लगता है। जैसे लास्ट वीक मेरे साथ हुआ है कि हाई पे मैंने खरीदा था, मार्केट पलट गया, पलटने के बाद मैंने जब ऑप्शन चेन देखा तो यही याद किया कि नहीं सर ने कहा था कि ये बुलिश है अभी, और उसके लिए मैंने वेट किया पूरा दिन और वो मेरा ट्रेड सही गया। तो उसको देखने के बाद ना ये कंफर्म था कि नहीं मुझे जाना ही है क्लास। सो क्लास ज्वाइन किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो डेफिनेटली अब मतलब प्रैक्टिस करूँगा, और जिनको क्लास ज्वाइन करना है मैं बोलूँगा पहले आप ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करिए, तो आपको एक ग्लिम्स मिलेगा, चीज़ें देखने को मिलेगी कि होता कैसे है, और फिर आप आइए ऑप्शन क्लास में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू। सो मैंने विपुल सर की क्लास फर्स्ट टाइम फरवरी या मार्च पे जो दिल्ली पे लास्ट हुई थी, आई थिंक 6-8 मंथ्स बैक, वहाँ अटेंड की। उससे पहले मैं आई गेस 1 ईयर बैक मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुका था, प्रॉफिट लॉस ऑन एंड ऑफ बेस्ड ऑन द मार्केट, और जो भी टिप्स मिलती थी बेसिकली फ्रेंड ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, वो लेते थे बेचते थे। सर की क्लास अटेंड करने के बाद से प्रॉफिट्स अच्छे होने लगे, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई चलो मार्च में जो क्लास की सर की पैसे तो निकल ही गए, प्रॉफिट अच्छे बनने लगे। देन आई थिंक जून मिड में सर ने ट्रेडिंग क्लास ज्वाइन की, स्टार्ट की ट्रेडिंग रूम स्टार्ट 15 जून करेक्ट। उसके बाद से प्रॉफिट और बढ़ने लग गए। मैं और कुछ हुआ देखो लगा और बढ़ सकता था, मैंने इसलिए फिर से आई सर की क्लास अटेंड करने, एंड डेफिनेटली कंटेंट भी बहुत कुछ अपडेट हुआ है। एंड लाइक वो सर होता है ना कि एक बार टीचर वापस समझा दे तो चीजें और क्लियर हो जाती, बार बार पढ़ने से चीजें क्लियर होती हैं। सो दिस वॉज अगेन वन ऑफ दोस सेशन। ट्यूशन लेते हैं ना लोग, यस क्यों लेते हैं, रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। पॉइंट मिलता है ट्रेनर पैसे कमा लेगा, अरे ट्रेनर की छोड़ो अपनी सोचो, ये जरूरी है। सो हाँ डेफिनेटली लाइक मैंने और भी काफी जगह से लाइक ट्रेडिंग ली है दूसरे टीचर से, बट अगेन मेरे को ऐसा लग रहा है सर जितने सिंपली समझाते, आई थिंक सर आप जैसे बता रहे हैं यहाँ पे आपके 20 इयर्स 22 इयर्स 23 वो समझ पा रहे हैं, तो सर फिर आप किसी को भी सिखा सकते हो। सो दैट्स रियली ग्रेट, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच गाइस, मजा आ गया आप लोगों से मिलकर, है ना। चलिए आप लोग कभी भी कोई इश्यू हो तो टच में रहिए, फोन कीजिए एंड जस्ट कॉल अवे, आप सबके पास मेरा नंबर है।